भगवान एक बार अंबिका वन में गए हैं और अंबिका वन में जाकर के देवी के गीत गाए। यहीं पर नंद बाबा को एक सर्प ने ग्रस लिया। सर्प जब ग्रसने लगा, सर्प उनको डसने लगा, निकलने लगा, तो वहां पर भगवान कृष्ण आए और भगवान ने कौतुक में उस सर्प को अपना चरण का स्पर्श कराया। चरण स्पर्श कराते ही वह सर्प जो था वह दिव्य रूप धारण करके सामने खड़ा हो गया। वह सर्प का शरीर छूट गया। भगवान ने पूछा, वो भगवान श्रीमान जी आप कौन हैं? वह कहता है, अहम विद्याधर कश्चित सुदर्शन इति श्रुतः। महाराज मैं विद्याधर हूं, सुदर्शन मेरा नाम है, श्रिया स्वरूप संपत्या विमानेन चरम दिशा। मेरे पास बहुत संपत्ति थी, विमान में उड़ता था, लेकिन एक बार एक ऋषि के को मैंने बार बार मैं विनोद करता था, एक ऋषि को मैंने अपरिहास कर दिया, उस ऋषि ने मुझे श्राप दे दिया। मैं कहता था, ऋषि जी की चाल तो देखो, लंगड़े थे बेचारे, लंगड़ करके चल रहे थे। मैंने कहा, ऋषि की चाल तो देखो, एक बार कहा कुछ नहीं कहा संत ने, दूसरी बार कहा संत जी की चाल तो देखो, तब भी कुछ नहीं कहा, लेकिन तीसरी बार जब मैंने कहा संत जी की चाल तो देखो, तब तो उनको क्रोध आ गया और उन्होंने कहा कि तू मेरे चाल और मेरे हाल में क्या जाता है, जा सर्प बन जाएगा, तू भी लहरा लहरा करके चलेगा। चरणों में पड़ गया तो उन्होंने कहा, देख तेरा उद्धार भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद से होगा। सापों में अनुग्रह कृतस्थी करुणात्म भी, मैं कहता हूं संत ने श्राप नहीं दिया था, मुझे कृपा की थी, करुणा की थी। आप ये बताइए, जिस श्राप के कारण भगवान से मिलना हो जाए, भगवान के दर्शन मिल जाएं, उसे आप श्राप कहेंगे या वरदान कहेंगे? उसे श्राप कहा जाएगा या वरदान कहा जाएगा? जिस श्राप से भगवान का दर्शन मिले वह श्राप नहीं है, वरदान है, अनुग्रह है, कृपा है। संत कभी किसी को श्राप नहीं देते। ध्यान रखना, संत यदि किसी को डांट लगा रहे हैं, यदि क्रोध कर रहे हैं, संत के क्रोध में भी कहीं ना कोई अनुग्रह छिपा रहता है। यदि संत की उस डांट को, संत के उस क्रोध को यदि तुम अपने जीवन में सह स्वीकार कर लोगे, तो वह भगवत दर्शन का एक कारण बन जाएगा, भगवत कृपा का एक स्वरूप बन जाएगा। संत के क्रोध में भी कल्याण छिपा होता है, कल्याण ही होता है।